कांग्रेस से बीजेपी में आकर मंत्री बने गोविंद सिंह राजपूत की जुबान उनका साथ नहीं दे रही और वो कह रहे हैं बीजेपी नकली राम नाम धारण किए हुए है। गोविंद सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कहा, व्यक्ति भले ही गद्दार हो जाए लेकिन उसका डीएनए हमेशा सच बोलता है, ऐसा ही राजपूत के साथ हो रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद भी गोविंद सिंह राजपूत के ग्राफ में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। अपने इलाके सुर्खी में वो ना तो कांग्रेसियों को ही ढंग से जोड़ पा रहे हैं और ना ही बीजेपी नेताओं को जोड़ पाए हैं। बीजेपी में आने के बाद गोविंद सिंह मंत्री बनकर अपना चोला बदलने की कवायद में जरूर लगे हुए हैं, लेकिन बोलते वक्त उनकी जुबान कुछ का कुछ कह जाती है। गोविंद सिंह राजपूत अपने इलाके को राममय बताते हुए मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन बीजेपी को कोसना नहीं भूलते। राजपूत कहते हैं बीजेपी नकली राम नाम को धारण किए हुए हैं। आप भी सुन लीजिए मंत्री जी की लड़खड़ाती जुबान को। राम से और मोदी जी की जो सूझबूझ रही, वो सूझबूझ से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, पूरे देश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस समय पूरा मध्य प्रदेश राममय है, सुर्खी विधानसभा राममय है, तो भाजपा को नकली राम नाम का भगवा झंडे का धारण करना पड़ रहा है, लेकिन जनता जानती है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यही कांग्रेस का काम हमेशा रहा है। मंत्री जी सब कुछ बदल रहे हैं लेकिन अपना कांग्रेस का डीएनए नहीं बदल पा रहे हैं और यही भविष्य में इनके लिए तमाम मुसीबतें खड़ी कर सकता है। जाहिर है गोविंद सिंह कांग्रेस के भी निशाने पर है। कांग्रेस ने भी गोविंद सिंह राजपूत को लेकर तलख टिप्पणी की है। व्यक्ति गद्दार हो सकता है, व्यक्ति स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है, पर जब भी व्यक्ति का, इंसान का डीएनए बोलेगा, खून बोलेगा तो सच बोलेगा। ये बात गोविंद सिंह राजपूत जी ने अपनी स्पीच में स्पष्ट कर दी। उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर, भगवा ध्वज के नाम पर जिस तरह की राजनीति करती है वो घृणित है और घृणित कार्य करने वाला कभी भी देश हित में नहीं काम करता है। और संघ भाजपा दोनों समझ ले कि वो कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, पर हिंदुस्तान का डीएनए, कांग्रेस का डीएनए कभी भी बदलने वाला नहीं है। वह पूरे देश को एक सोच, एक विचारधारा के साथ में आगे बढ़ाने वाला है। आपके षड्यंत्र, आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी षड्यंत्र कर लें, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित नहीं कर पाएंगे। एक ना एक दिन गोविंद सिंह राजपूत का डीएनए फिर से उनको पुकारेगा, वे फिर अपनी विचारधारा के साथ में दिखाई देंगे, देश के साथ दिखाई देंगे। ऐसे और गद्दार जिनको आपने बनाया है वो भी आपको निश्चित छोड़ के अपनी अलग राह पर जाएंगे, क्योंकि कभी भी संघ की विचारधारा कांग्रेस की और भारत की विचारधारा के ऊपर हावी नहीं हो सकती। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।